हेलो भाई पीयूष गर्ग, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो ये भाई अपने पास खड़ी है Hyundai Aura का बेस वेरिएंट जो कि ई के नाम से आता है। इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो करीबन 6,30,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 7,22,000 रुपये आपको ये ऑन रोड प्राइस पर पड़ने वाली है। अब Hyundai का बेस वेरिएंट जो कि ई के नाम से आता है, क्या क्या ऑफर आपको दे देता है भाई, कंपनी आपको क्या क्या दे देती है बेस वेरिएंट के अंदर। तो सबसे पहले ये दो की आपको मिलती हैं जो कि स्मार्ट की नहीं है, इमोबिलाइजर की है, नॉर्मल की आपको मिल जाती हैं। ये Hyundai Aura की अपनी नई लुक है, 2023 का नया फेसलिफ्ट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोवर भी हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी हैं और बहुत ही ज़्यादा देखने में डिज़ाइन भी है। जैसे कि इसका लोगो, इस तरीके का इसका लोगो मिलता है। रियर टेल लैंप कुछ इस तरीके की आती हैं और ये अपना कर्व्स एंड क्रीजेस इसकी देख लीजिए, कितने डिज़ाइन है इसकी ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके के। ORVM भी आपको ब्लैक कलर का ही मिलता है और ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। फ्रंटर पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर। तो इस सामने से भाई आपकी प्रोफाइल आती है Hyundai Aura की, सामने यहाँ लोगो मिल जाता है Hyundai का। ये ब्लैक पूरा कंपार्टमेंट मिलता है अपने बम्पर का। यहाँ पर हाउसिंग मिलती है नंबर प्लेट की, यहाँ पर फॉग लैंप के लिए हाउसिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको हैलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाती है और हैलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। अब ये इसका भाई हुडा हुड के अंदर के इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड। तो गाड़ी के अंदर चल कर देखते हैं कि क्या गाड़ी कितनी क्या क्या आपको मिल जाता है। यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का आपका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है भाई, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ध्यान से सुनिए। और इसकी बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी बड़ा इसका बूट है। अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा कितने लीटर का है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी एक बार ना गाड़ी का डिज़ाइन आप देख लीजिए। पीछे एंटीना की प्लेसमेंट मिलती है यहाँ पर कोई आपको डिफॉगर नहीं मिलता, कोई आपको वाइपर नहीं मिलता, कोई आपको वॉशर नहीं मिलता। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इधर मिल जाता है। तो गाड़ी के बार अंदर चल के देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या मिल जाता है। डोर पैनल को ओपन करते हैं तो इस तरीके से भाई इसको लॉक को करते हैं ओपन, लॉक कर हमने ओपन गाड़ी भाई, हमने ये फ्रंट डोर ओपन कर लिया ड्राइवर साइड वाला। डुअल टोन इंटीरियर हमें मिला जो कि बेस वेरिएंट से ही मिलता है, मतलब अनलॉक डोर हैंडल्स पे भाई ब्लैक पियानो फिनिशिंग मिलती है सिंपली। यहाँ पर छोटा सा एक स्पेस मिल जाता है, दोनों ही पावर विंडो आपको फ्रंट की मिल जाती है, बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पर स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाती है। डोर पैनल को करते हैं बंद, आप अंदर से आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से इसको पकड़कर। तो एक बार डोर पैनल को बंद कर लेते हैं, इंटीरियर आपको मैं दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो कुछ इस तरीके का अपने Aura का इंटीरियर आता है भाई, डी कट में नहीं आता, ये सिंपल इंटीरियर स्टेयरिंग व्हील आता है। इसके क्लस्टर की बात करें तो स्टेयरिंग को मैं खोल लेता हूँ तो ये अपना सिंपल सा इंटीरियर मिल जाता है, जहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं मिलता, एसी वेंट्स भी आपको नॉर्मल एसी वेंट्स मिलते हैं। हजार लैंप ओपन करने के लिए आपको यहाँ से अपने की बटन को दबाना पड़ेगा। एसी वेंट्स पे आपको ब्राउन फिनिशिंग मिल जाती है गोल्ड कलर की, जो कि ये थोड़ा थोड़ा ना थार को मैं कह रहा हूँ थार जैसी लगती है, जिस थार में आती है। अब यहाँ पर आप अपने वाइपर को भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने हेडलैम्प को एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रिप मीटर करने के लिए आपको ये प्रेस करना होगा। अभी क्लस्टर के अंदर एक छोटी सी MID आपको दिख रही होगी, अभी MID भी दिखाऊंगा। सीट को मैं कर लेता हूँ पीछे, यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील मिलता है कुछ इस तरीके का, Hyundai का लोगो मिलता है। यहाँ पर कोई भी आपको माउंट कंट्रोल्स या कोई भी आपको बटन प्लेसमेंट नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको भाई ये हैंड ब्रेक मिल जाती है मैनुअली, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, आप बाहर से आप अपना आर्म रेस्ट भी लगवा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कप होल्डर मिल जाता है, छोटा सा स्पेस मिल जाता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ये अपनी गाड़ी है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पैड वैड रखने का स्पेस मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है, एसी का मैनुअली बटन मिल जाते हैं सारे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल गाड़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कुछ भी इसमें फ्यूचरिस्टिक कुछ है नहीं है ऐसा कुछ। मेरे को जो थोड़ा बहुत लगा ना अच्छा, वो इसका क्लस्टर लगा, डुअल टोन क्लस्टर लगा इसका सिल्वर के साथ और ब्लैक के साथ। IRVM भी इसका मैनुअली मिलता है, जो कि भाई मैं कह रहा हूँ अप एंड डाउन भी करने के लिए ना आपको हाथ से करना पड़ेगा। ये थोड़ी इसकी चीप क्वालिटी मेरे को लगी, इसको चीप क्वालिटी नहीं मैं बोलूँगा कि ये कॉस्ट कटिंग भी है। एक छोटा सा ना वो एडजस्ट करने के लिए दे देते तो क्या भाई, 10-20 रुपए की चीज़ थी वो। अब सनसीट्स की बात करें तो सनसीट्स पर यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है, कोई मिरर नहीं मिलता है। इधर सनसीट्स पर बात करें तो यहाँ भी आपको टिकट होल्डर तक नहीं मिलता। और ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो ये कंपनी ज़्यादातर आपको 3 ग्रैब हैंडल्स ही देती हैं, Hyundai भी आपको 3 ग्रैब हैंडल्स मिलेगी, इधर तो आपको ग्रैब हैंडल्स की प्लेसमेंट ही नहीं मिलती। ये एक कोश कटिंग की बात है। और ये इधर देख लीजिए, आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, एक इधर एयरबैग मिलेगा, एक उधर एयरबैग मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा स्पेस मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स होता है। सामने स्पीकर मिलने वाला है, दो ही स्पीकर इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं और दो ही
पावर, दोनों ही विंडो आपको पावर मिल जाएंगी, ड्राइवर साइड और कंडक्टर साइड, और पीछे आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी विंडो। और भाई इसकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं इसकी, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं फैब्रिक के अंदर। और इसकी जो भाई बॉडी टाइप है ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको कहीं सेफ्टी पर्पस के लेकर बात करें तो काफ़ी अच्छी सेफ्टी है अपने ओरा के अंदर, हुंडई के अंदर, एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक मारुति स्विफ्ट। हम डिज़ायर के ऊपर बात करें, सेडान की बात करें, तो ये थी अपनी भाई अपनी ओरा। अगर पीछे से चल के दिखा देता हूँ आपको कैसी लगती है ये, पीछे से चलने के बाद मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। मैंने ना अभी देखिए इसकी सीट्स ना पूरी पीछे कर ली हैं, आपको सिक्स वे नहीं मिलता यहाँ पर, आपको भाई बस ये रिक्लाइनर एडजस्ट करने के लिए मिलता और कुछ भी नहीं मिलता। अभी यहाँ पर आपने दो स्विच मिलते हैं, फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए। आप अपने यहाँ से बम्पर एरिया को भी ऑन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अपनी लाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं इधर तरीके से। तो अब मैं भाई गाड़ी के पीछे आ चुका हूँ, इसमें मेरे को अपना कहते हैं कि लेग स्पेस ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने रिक्लाइन कर रखी है, सीट आगे कर रखी, पीछे आपको कोई पॉकेट वगैरह नहीं मिलती सीट के। अभी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल भी मिलता है, बीच में आपको लाइट मिलती है एक और, जो कि आगे भी मिलती है। अभी ये बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश दे रखा है इसके अंदर, जो छत है इसकी, रूफ जो है इसकी बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ है। पीछे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है दोनों ही साइड, यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। यही चीज़ पावर विंडो नहीं मिलती इस बीच में, बेस वेरियंट है ये, और यही चीज़ इधर साइड है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है दोनों ही साइड, मतलब आगे भी और पीछे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है। यहाँ पर कोई आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता, पीछे आपको ये पार्शियल ट्रे मिल जाती है, ये देख लीजिए। अभी गाड़ी के ऊपर पीछे से बात करें, उससे पहले भाई मैं इसके हेडरूम की बात कर लेता हूँ। हेडरूम कुछ इस तरीके का हेडरूम मिलता है अपने, स्पेस तो मैं कहूँगा ठीक ठाक ही है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक स्पेस है हेडरूम का। और एक बार अब इसका ना बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। और ये थ्री स्टेप डोर है, ये देख लीजिए, वन स्टेप हो चुका है, टू स्टेप, देन ये टू स्टेप डोर है पीछे वाला, और आगे वाला थ्री स्टेप डोर है। और एक बार पीछे से बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो बूट स्पेस ओपन करने से पहले इसकी भाई ये रियर टेल लैंप्स दिखा देता हूँ। ये कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, ये पूरी जलती हैं, इससे हैलोजन बेस्ड बल्ब मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर का हैलोजन बेस्ड आपको रिगर पार्किंग का बल्ब मिल जाता है। यहाँ पर आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं, आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, दो रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं कुछ, एक येरा एंड एक येरा। बम्पर आपको पीछे से स्पोर्टी लुक निकाल कर आएगा। अभी इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ, की ले देता हूँ गाड़ी की। मैंने इसका बूट ओपन कर लिया है, तो इसके बूट स्पेस की बात करें तो 402 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है अपनी होंडा योरा के अंदर। तो ये है अपना बूट स्पेस, ये देख लीजिए। स्पेयर व्हील आपको 14 इंच का ही व्हील मिलेगा, और आपको चारों गाड़ी के जो टायर मिलते हैं ना, चारों टायर जो मिलते हैं वो भी 14 इंच के ही मिलते हैं प्रोफाइल के साथ। ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर इंसुलेटिंग पैडिंग होनी चाहिए थी बट नहीं है, ये भी एक कोश कटिंग है, तो इसको कर लेते हैं बंद। ये अपनी हुंडई ओरा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जो निकालती है भाई 88 bhp के अंदर 114 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है, फोर सिलेंडर इंजन पेट्रोल के अंदर, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। एक बार इसका ना आपको इंजन दिखा देता हूँ ओपन करके, यहाँ से इसका इंजन ओपन होगा। कुछ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, मैनुअली आपको एसी मिलेगा। तो मैं एक बार इंजन ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये भाई हुंडई ओरा का K12 इंजन, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड फोर सिलेंडर इंजन, 88 bhp 114 Nm का टॉर्क। तो भाइयों आपको कैसी लगी अपनी हुंडई ओरा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई। तो गाड़ी को भाई पूरी बताएं गाड़ी की क्या क्या कमी लगी, मेरी वीडियो में क्या क्या कमी लगी। तो भाई मेरे को सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और भाई ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे को थोड़े थोड़े प्लान बताते रहें कमेंट सेशन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ये अपनी हुंडई ओरा, लव यू ऑल गाइज़।